नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक नई वैकेंसी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 से अभी आई है। दो दिन पहले इसका विज्ञापन आपका जारी हुआ है और उसी के क्रम में यह आपकी जो भर्ती है यह उत्तर प्रदेश के आपका भूतत्व एवं खानिकर्म जो निदेशालय है उसके अंतर्गत आई है। और इसमें जो आपका पदनाम है वह पदनाम है मुहर्रिर का। मुहर्रिर जो शब्द है आपका हेड कांस्टेबल को देखते हैं, ठीक है, मुंशी वाला जो काम करते हैं, वकील के जो मुंशी होते हैं, तो इस जो है विभाग में भी आपके मुहर्रिर के पदों का सृजन बहुत पहले हुआ है। और इसमें जो आपके जो है पद हैं वो पद 92 हैं। इसमें किस प्रकार से आपका क्या कट ऑफ रहेगा, पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, आयु सीमा क्या हो सकती है, शैक्षिक अर्हता क्या हो सकती है, और जिन्होंने पीटी 2021 दिया है, मतलब यह आपकी जो विज्ञप्ति आई है, यह विज्ञप्ति के विषय में पहले किसी को नहीं मालूम था कि आपकी इस विभाग में वैकेंसी आनी है। तो पीटी 2021 का यह जो आपका विज्ञापन अभी जारी हुआ है, अगर इसमें हम प्रमुख तथ्यों की बात करें कि क्या क्या चीजें आपकी महत्वपूर्ण हैं, जिनके पास योग्यता है वो लोग अप्लाई करें, और पद चूंकि इसमें 92 आए हैं कुल मिला के, इसमें देखा जाए तो यह विज्ञापन संख्या भले ही 2022 की है, लेकिन इसमें जो आपका पीटी मांगा गया है वो पीटी 2021 से परीक्षा है मुहर्रिर की। मुहर्रिर यह आपका एक तरीके से लिपिक भी होता है, ठीक है, और लिपिक के साथ साथ इसको वैसे तो यह पद आपका मुंशी से, यह जो आपका शब्द है यह मुंशी या वकील का मुंशी होता है, आपके पुलिस विभाग में भी आपका मुहर्रिर होता है। तो यहां पर अगर बात करें तो यह मुहर्रिर की जो आपकी परीक्षा है इसके लिए ऑनलाइन आपका आवेदन 29/10 से प्रारंभ हो रहा है और आपका अंतिम तिथि 18/11 है, और साथ ही साथ अगर आप संशोधन करना चाह रहे हैं तो वह 25/11 तक जाएगी। इसमें अन्य चीजों की अगर बात की जाए कि क्या फॉर्म आपका कब से कब तक है, यह तो आपको सूचना मिल गई। जो विभाग आपका है प्रमुख तौर पर, यह विभाग की अगर बात की जाए तो यह निदेशक भूतत्व एवं खानिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश, अभी रोशन जैकब कुछ दिन पहले इसके निदेशक बनी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है। तो इस पर 92 पद हैं आपके मुहर्रिर के, 92 पदों पर चयन के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन है, और शॉर्ट लिस्टिंग वाला जैसा कि अभी तक आपके विभिन्न परीक्षाओं में रहा है जिन्होंने पीटी 2021 दिया है उनके लिए एक बड़ा फायदेमंद है, आपके स्कोर ठीक ठाक है तो उस आधार पर इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपका क्या किया गया है कि अगर आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर या वास्तविक स्कोर 0 या उससे कम या नकारात्मक जो है अंक जो प्राप्त किए हैं, नकारात्मक अंक वालों को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है, लेकिन जो 0 नंबर से ऊपर है वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर आपके क्या किए जाए जो है जारी किए जाएंगे, आपके लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड की, कौन कौन से लोग योग्य हैं। साथ ही साथ इसमें आवेदन आप सारे लोग जान रहे हैं। अन्य चीजों की अगर इसमें बात की जाए कि आपकी योग्यताओं के विषय में क्या क्या चीजें रहेंगी, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, योग्यता जो मांगी गई है चूंकि लिपिक का पद है और लिपिक का अपने यहां जितना भी पद होता है, जब आप पहली बार इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी जितनी भी परीक्षाएं रही हैं सभी में 25 रुपए आपका ले रहा है, ठीक है, आवेदन शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है सभी में 25 ले रहा, ये आप आवेदन करोगे, आवेदन के बाद आपका क्या किया जाएगा, फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और शॉर्ट लिस्टिंग में क्या किया जाएगा उसमें आपको अलग से पूरी चीजें बताई जाएंगी। मुख्य परीक्षा के लिए जो लोग आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको क्या करना होता है, सभी में यूपी ट्रिपल एससी का आपका जैसा रवैया है, ठीक है, उनका प्रवेश पत्र उस समय परीक्षा शुल्क फिर शासन आपका निर्धारित करेगा और उनको वो जमा करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम बात करें कि जितनी भी चीजें हैं जिस हिसाब से आरक्षण दिया गया है उसका पूरा आपका जैसी आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी में चल रहा है उसी भांति से आरक्षण है। अब इसमें अगर पदों के विवरण की बात की जाए तो पदों के विवरण में, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं भूतत्व एवं खानिकर्म आपका विभाग है और इसमें पदनाम मुहर्रिर है, मुंशी या लिपिक भी, इसमें काम मुख्य तौर पर लिपिक का रहता है। साथ ही साथ आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम जिन्होंने 18 वर्ष जो है प्राप्त कर लिया है जुलाई में और अधिकतम आपके 40, बाकी जितनी अन्य आपकी जातियां होती हैं ओबीसी एससी एसटी दिव्यांगजन उन सभी को अलग अलग छूट भी दी गई है। वेतनमान की बात की जाए तो 52 से 20,200 है, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेड पे की बात करें तो 1900 ग्रेड पे है और मैट्रिक लेवल 2 है, ठीक है, यानी जो है वही आपके लिपिक वाला क्लर्क संवर्ग की आपकी ये भर्ती है। और इसमें अगर अनारक्षित यूआर जिसको आप कहते हैं अनरिजर्व की बात की जाए 41 पद उनके लिए हैं, और जो है अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 19 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 21 पद हैं,
और 9 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आरक्षित किए गए हैं। कुल 92 पद हैं, अभी आपका अस्थाई है। सभी परीक्षाओं में होता है आपका एक टाइम पीरियड होता है प्रोबेशन, जब आपका पूरा होगा प्रोबेशन टाइप उसके बाद आप परमानेंट होते हैं, अस्थाई होते हैं। इसमें अगर बात करूं अन्य चीजों की तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो मुहर्रिर के लिए आपका 36 आरक्षण वाला चल रहा, एक 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 पद आपके सभी के, और सबसे ज्यादा पद की अगर बात की जाए आरक्षण में तो सबसे ज्यादा पद महिलाओं को दिए गए हैं, 18 पद महिलाओं के लिए आपके रिजर्व किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 4 पद आपके किए गए हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 पद है, बाकी सभी में देखा जाए ठीक है तो एलबी के लिए, एचएच के लिए ठीक है, और बाकी आपके ओएल, ओए, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएबी, इन सभी के लिए आपके एक एक पद किए गए हैं ठीक है। अब इसमें बात किया जाए कि आपका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, परीक्षा किस आधार पर होगी। जैसे क्लग संवर्ग में अपने यहां अभी तक क्या चल रहा था कि अभी तक अपने यहां मुख्य तौर पर चल रहा था कि साक्षात्कार लिखित परीक्षा के बाद या टाइपिंग वाला, तो साक्षात्कार आपका हट चुका है पहले ही, तो इस वजह से इसमें क्या होगा, यूए ध्यान रखिएगा कि वो महिला अभ्यर्थी जिन्होंने क्या किया है जो है पिता पक्ष से उनका जो प्रमाण पत्र होगा ठीक है, जाति प्रमाण पत्र वो पिता पक्ष से जो है निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा ठीक है, मतलब पिता वाली जो चीजें रही हैं जाति प्रमाण पत्र वही आपका लागू होगा, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। इसमें अगर बात की जाए अन्य चीजों की तो जो शैक्षिक अर्हता आपकी दी गई है, शैक्षिक अर्हता के विषय में देखा जाए तो चूंकि क्लर्क की अपने यहां लगभग वैकेंसी जो है इंटरमीडिएट स्तर की होती है, तो इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण है तो आप इस परीक्षा के लिए, इस लिपिक वर्गीय आपके पद पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिमानी अर्हता, जब मान लीजिए दो आपके किसी अब विद्यार्थियों के ठीक है अभ्यर्थियों के नंबर बराबर आ गए तो उसमें देखा जाता कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष अवध तक की सेवा का कोई सर्टिफिकेट है या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो उसको वरीयता दी जाएगी। ये तो चीजें आपकी दूसरी हो जाती, तो इंटरमीडिएट आपका मांगा है। साथ ही साथ इसमें न्यूनतम आयु सीमा मैंने पहले ही बताया कि आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, और बाकी जिनको जो है 1 जुलाई को 1 जुलाई से आपका लिया है 18 वर्ष आयु आपकी पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष, बाकी जिनको जैसी छूट दी जाती है वो छूट उसी भांति से इसमें किया गया है, आरक्षण का लाभ उसी भांति से। चयन का आधार क्या होगा, सबसे बड़ी चीज यही रहती है कि इसमें क्या, जैसे जितने भी लिपिक वाले रहते हैं भाई, जूनियर असिस्टेंट की भी आपकी 5000 वैकेंसी के करीब आनी है ठीक है, अगली विज्ञप्ति वो आपकी जूनियर असिस्टेंट की आनी है, तो उसमें क्या होता है सीधा पीटी के बाद टाइपिंग। लेकिन इसमें क्या है आपका, ये भले ही आपका मुंशी का पद है, लिखने पढ़ने वाला काम है, इसलिए आपसे रिटन पेपर होगा, इसमें रिटन पेपर आपका होगा। यूडीए एलडीए की वैकेंसी अभी आप लोगों ने देखी है, बहुत जल्द गुजरी है, तो उसी तरीके से ये भी है, वो चूंकि आपके इसी में यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी थी और ये आपके दूसरे विभाग की वैकेंसी है। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें आपका क्या होगा कि 2015 की जो नियमावली है उस भांति से अगर इसमें देखें तो साक्षात्कार आपका बंद है, साक्षात्कार नहीं होना है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका मुख्य तौर पर देखा जाए उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म यानी खदान जो कार्यालय है, लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1995 में इसका एक आपका वो बना था, अध्यादेश बना था, और उस बेस पर आपका रिटर्न पेपर होगा, यानी दूसरा आपका पेपर जो होना है, मुख्य परीक्षा होनी है, वो रिटर्न पेपर होगा। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा ठीक है। तो मौका अच्छा है, सीधा टैंकर जो है नहीं है, इसमें कहा है कि परीक्षा योजना और आपके एक तरीके से पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम आपका आयोग बाद में सूचित करेगा, अभी जो लोग एलिजिबल हैं वो सारे लोग इसमें अप्लाई करिए ठीक है। पद आपका अच्छा है और पद में अप्लाई के लिए उसने पहले ही बोल दिया है कि मुहर्रिर की लिखित परीक्षा के लिए जो 15 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे, लेकिन कहता आयोग 15 गुना है और बुलाता लगभग 30 गुना तक है, सभी आपके लगभग परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो 15 गुना यहां किया है, 30 गुना लोग बुलाए जाएंगे। और इसमें जैसे बात किया जाए कि अन्य चीजें, तो श्रेणी वगैरह वही चीजें हैं और कुछ नहीं है। दूसरे जो आपके खिलाड़ी होंगे, मतलब इस राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य के अगर कोई जो है निवासी है और वो अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसा कि हर राज्य में चलता है वो जो है आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा, वो सारे अभ्यर्थी यूआर की श्रेणी में आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तब आप पर ये कंडीशन जो है लागू होगी, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। और इसमें मुख्य तौर पर बात किया जाए कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, तो परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम उसने बोला है कि आपका परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम आयोग बाद में जारी करेगा ठीक है, तो अभी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन वही चीजें होनी चाहिए। अब इसमें अगर बात कर ली जाए कि जैसे परसेंटाइल वगैरह कितना जाएगा, तो देखो भाई यूडीए एलडीए में जिस भांति से आपका
जो है स्कोर शॉर्टलिस्ट किया गया था उसी भांति से कहीं ना कहीं इसमें भी जाना है। ठीक है, यानी जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं, परसेंटाइल ठीक ठाक है, वो लोग अप्लाई करेंगे। अब यह भी हो सकता है कि उसका रिजल्ट आपका आ जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें आपके पार्टिसिपेट ना करें, तो अप्लाई सारे लोग करिए। ठीक है, 25 रुपए की बात है, 25 रुपए आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार को दे दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, भले ही आयोग बार बार शुल्क ले रहा है, लेकिन हमें अपने भविष्य को देखते हुए ये चीजें हम नहीं कर सकते कि अरे यार मेरा नहीं होना है, हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी हैं, चारों तरफ से जब ऐसी मशीनरी सिस्टम बना हुआ है, पीईटी में बनने के बाद ये आशा जगी थी कि एक बार में सब कुछ फाइनल होगा, लेकिन अब चीजें आपकी अलग अलग देखने को मिल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अप्लाई सारे लोग जरूर करिए, क्योंकि इधर आपकी वैकेंसी जो आ रही है धीरे धीरे, उन सभी में कहीं ना कहीं लोग आपके सेलेक्ट होते चले जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट आपका 2016 का रिजल्ट, 19 वाला रिजल्ट, ठीक है, फिर आपका यूडीए एलडीए हो गया, अन्य आपकी लेखपाल वाला हो गया, ये सभी जो आपकी वैकेंसियां हैं इसमें लोग सेलेक्ट ही तो हो रहे हैं। तो इसलिए आप सारे लोग जिनका भी आपका मार्क्स ठीक ठाक है अप्लाई जरूर करिएगा। रिटन पेपर है तो मौका आपके पास अच्छा है। ठीक है, अगर टाइपिंग होती तो आपको सोचना भी था कि नहीं टाइपिंग है तो मेरे लिए दिक्कत आ सकती है। रिटन पेपर है, आप आसानी से अगर सेलेक्ट हो गए तो आप सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं, क्योंकि जिनका हो जाएगा वो लोग पेपर देने, उनके जाने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, तो ये है आपका जो पद है, आपकी इस समय सारी चीजें, सारी डिटेल आपने देख ली है। इसकी जो पीडीएफ है वो परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पर आपकी मौजूद है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अन्य कोई भी अपडेट होती है इसके बारे में, जैसे ही आपकी आयोग के द्वारा परीक्षा प्रणाली आपकी जारी की जाती है कि क्या क्या आपका पाठ्यक्रम रहेगा, तो उसकी अपडेट आपको चैनल पर ही प्राप्त हो जाएगी। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य अपडेट के लिए, अन्य सारी जानकारियों के लिए हमारा परीक्षा प्लस का ऐप जरूर इंस्टॉल करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपके अंदर जो है शंका है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर उसे लिखिए, उसका जवाब टीम आपके साथ जरूर देगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।